केंद्र प्रभुत्व पालना तीरुनु वितरेकिस्तु सरकार वितरेक शक्तुल एकीकरणे लक्ष्यंगा एआईसीसी अग्रणेत राहुल गांधी चेपट्टिन भारत जोड़ यात्र नेटितो मुगिसिंदी। सोमवार मुगिंपु सभ निर्वहिंचुन्नारु। कश्मीर वेदिकगा जरगनुन्न ई सभलो पाल्गोनेंदुकु देशव्याप्तंगा कांग्रेस नेतलु कार्यकर्तलु हाजरु काबोतुन्नारु। ई सभकु देशव्याप्तंगा 24 पार्टीलकु कांग्रेस आह्वानं पंपिंचिंदी। बीआरएस वैसीपीलतो पाटु पलु पार्टीलकु आह्वानं पंपिंदी। मरोवैपु श्रीनगर्लोनि लाल चौक वद्द भारत जोड़ो मुगिंपु कार्यक्रमंलो टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी, सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, एमएलए सीतक्क सहा पलुवुरु टीपीसीसी नेतलु पाल्गोन्नारु। భారత్ జోడో యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు, ప్రళయ చూద్దాం। हमारी यात्रा हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही। फ्रेंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है, तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें ज़रूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है, और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ कि ये जो हमने यात्रा की है, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। प्रकाश बुखारी, राहुल जी, people here raised issues with you during your yatra. How were they different from those which were raised by the people in the rest of the country? First of all, I met people when I entered Jammu. I met people from Jammu, Ladakh and Kashmir, all three parts of this region. And nobody was happy. So that was the first thing. The central issues that are being raised here, a lot of them are very similar to issues in the rest of the country. Unemployment, lack of opportunity, corruption, these issues. And then there is another set of issues which are with regards to statehood, representation, voice, which are also being raised here. But that is the width of issues that are being raised. Kashmiri Uzma se Bilal Furkani. Thank
राम जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस का 370 पर क्लियर विजन नहीं आ रहा है, 35A and 370, और जो यहाँ पे लोकल अलायंस है PA GD, उसमें भी कांग्रेस बाहर गई है। अब जबकि BDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के कांग्रेस और इस बार जोड़ो यात्रा में सामने आए हैं और उन्हें समर्थन भी किया है, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और 370 पर उनका पूरा नजरिया क्या? ये सवाल जम्मू में आया था, 2-3 बार आया, इसको मैंने 3 बार इसका जवाब दिया है। हमारी वर्किंग कमेटी में क्लियरली हमारी पोजीशन दी हुई है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड कागज़ आपको दिखा दूंगा, दिलवा दूंगा मीटिंग के बाद, उसमें बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस पार्टी की व्यू 370 है। आपका सेकंड पार्ट क्या था? Our view on that is very clear. PTI से अनवरुल हक। जयराम, can you our working committee? I'll have it circulated. You have it. We'll have it circulated so everybody understands exactly what our stance is. It's very very clear. We'll have it circulated after this press conference. By the end of the press conference, they'll all have it. Sir, बहुत बधाई हो आपको, यात्रा संपन्न हुई है। लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इससे छूटा है, तो मेरा सवाल, क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है, क्या राहुल जी अब पश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई रोडमैप तैयार करती है तो? नहीं, अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीमच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफ़ी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक। माइक दीजिएगा। मैं थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है, और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, BJP सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है, इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए, वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक
नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है। और मेरे माइंड में यह पहला कदम है, और फ्रेंकली मैं बताऊं तो यह छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं, मगर फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में, बट देखते हैं। पीरजाद आशिक, इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट टूडे, यू नो, योर अनफर्लिंग ऑफ ट्राइकलर एट लाल चौक ऑलमोस्ट 70 ईयर्स आफ्टर नेहरू जी डिड द सेम थिंग। So Nehru made certain promises from the same platform. Today, when you were unfurling the flag, most of the promises have been broken. So when you look at those promises made to people of Kashmir and where Kashmir stands today, does it pain you? I am not happy with what I see in Jammu and Kashmir. In fact, I have sadness when I walk through Jammu and Kashmir. I have come here when I was walking, when I first entered Jammu, a strange idea came into my mind, which was that in some ways my family descended from Jammu and Kashmir and went to Allahabad, and in some strange way I was making the reverse journey that my ancestors made. So I felt in a way that I was going home, you know, and that was a very powerful feeling I had. I think I have affection towards the people of Jammu and Kashmir. And I come here with open heart. And I come here with open arms to help in whatever way I can. And I was humbled by the reception that we got in Jammu, in Kashmir. I think a love and affection, and this I've realized in my life, that love and affection and listening is a very, very powerful force, and I intend to do as much of that as I possibly can. I don't want to go into sort of commenting on the historical aspect of it. You know, I want to look forward, and I come here with an open mind.